नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। आज मैं नेशनल मीन्स एग्जाम की मैट की प्रिपरेशन के लिए सेकंड वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पहला वीडियो प्रॉब्लम ऑन डाइस समझ में आया होगा। यदि आपको वो वीडियो अच्छे से समझ में आया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले जो नई वीडियोज मैं डाल रहा हूँ उनका भी आपको लाभ मिल सके और आप इस पेपर के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकें। इसी कड़ी में मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्यूब्स, घन पर आधारित प्रश्न। जो नेशनल मीन्स परीक्षा है उसमें पिछले 2 साल के जो एग्जाम हुए हैं उनमें आप 5 क्वेश्चन जो हैं वो इस क्यूब्स पर बेस्ड आए हैं। उससे पहले एग्जाम में कभी क्यूब के बेस्ड क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन पिछले 2 साल से ये क्यूब पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और पूरे 5 क्वेश्चन का एक ग्रुप आता है जिस पर जो कि क्यूब्स पर बेस्ड होता है और बहुत ही आसान होता है। इसमें कुछ दो तीन ट्रिक्स हैं या दो तीन फॉर्मूले कह सकते हो आप। अगर आप वो फॉर्मूले और ट्रिक्स याद कर लेते हैं तो आप ये 5 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं और इसमें करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपको टाइम सेविंग भी है ये। तो आइए अपने इस पर बेस्ड जो प्रश्न है उनको कैसे करना है, क्वेश्चन है इनको कैसे करना है वो समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि यदि इस टॉपिक से रिलेटेड या जो मैं आपको पहला टॉपिक करवा चुका हूँ प्रॉब्लम ऑन डाइस, उससे रिलेटेड 2013 से लेके 2023 के एग्जाम्स का कलेक्शन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको उनका पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। हम अपने इस वीडियो के अंदर क्यूब पर बेस्ड क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे या उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको जो सामने फिगर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे ये क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यूब एक ऐसा 3 डायमेंशन फिगर होगा जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल होती है, यानी इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। मतलब एक ऐसी आकृति है 3 डायमेंशन, 3D में आकृति है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती हैं। हम इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर कमांड तभी कर सकते हैं जब हमें इसकी कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। बेसिक बातें क्या चीजें हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्यूब आपको आकृति दिखाई दे रही है इसमें कितने फलक हैं, फलक मतलब फेसेस कितने हैं इसके, इसमें कितने एज हैं, एज मतलब किनारे कितने हैं इसके अंदर, या इसमें कितने शीर्ष हैं, शीर्ष मतलब वर्टेक्स कितने हैं। अगर हमें इनके फलक, किनारे और शीर्ष यानी वर्टेक्स, फेस और साइड्स पता हों, इसकी एजेस पता हों, तब हम इन जितने भी क्वेश्चन इस पर आते हैं उन सबका आंसर बड़े आराम से दे पाएंगे। अब जो सामने फिगर है क्यूब का, इसको मैं अगर ओपन करूं तो इस टाइप का चीज बनेगी। यानी क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं, फलक कितने होते हैं इसके, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और इसके शीर्ष, शीर्ष मतलब वर्टेक्स, अगर आप काउंट करोगे इसके कितने वर्टेक्स हैं तो आप देखिएगा ऊपर की साइड में 4 वर्टेक्स हैं और ऐसे ही नीचे की साइड में 4 वर्टेक्स। इसका मतलब एक क्यूब के अंदर टोटल कितने वर्टेक्स होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। अब काउंट करते हैं हम इसके एजेस, जो ये लाइंस है ना, इन लाइंस को हम बोलते हैं एज। तो अगर आप काउंट करेंगे तो ऊपर की साइड में कितने एज हैं, 4, और ऐसे ये जो मैं एज बना रहा हूं ये एज कितने हो गए, 4, और ऐसे बेस में भी कितने एज है इसके, 4। तो यानी इस क्यूब में टोटल 12 एज होते हैं। तो यानी हमने ये देखा कि क्यूब में 6 फेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं और 12 एजेस होते हैं। तो नोट कर लेते हैं, तो क्यूब के अंदर वर्टेक्स होंगे अपने पास 8, फेस कितने होंगे इसमें, 6, और इसमें एज कितने होते हैं, 12। एज मतलब किनारे, फेस मतलब फलक और वर्टेक्स मतलब शीर्ष। तो एक घन में 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 किनारे होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं इसी पर बेस, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। कहते हैं एक सॉलिड क्यूब ऑफ ईच साइड 3 सेंटीमीटर इज कट इनटू क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स। एक घन है जिसकी हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की है, उसको 1 सेंटीमीटर की साइड वाले क्यूबिकल ब्लॉक्स में घनाकार खंडों में विभक्त किया। तो आपको पूछ रहा है कि ऐसे कितने खंड बनेंगे, ऐसे कितने घनाकार खंड बनेंगे।
अब जैसे आप इस फिगर में देखिए कि आपको ये क्यूब दिया हुआ है, इसकी साइड गिवन आपको 3 सेंटीमीटर। अब क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, 3 3 सेंटीमीटर की हैं। अब वो कह रहा है कि आपने इसको 1 1 सेंटीमीटर की क्यूबिकल ब्लॉक्स में कट किया। तो जब 1 1 सेंटीमीटर के क्यूबिकल ब्लॉक्स में कट करोगे, मतलब ऐसे क्यूबिकल ब्लॉक्स में कट करोगे जिनकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए साथ में ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, तो ऐसे आपको एक फिगर मिलेगा कि अब देखिए मैंने 3 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूबिकल ब्लॉक को 1 1 सेंटीमीटर के क्यूबिकल ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो टोटल क्यूब्स बने हैं 1 1 सेंटीमीटर के, ये कितने हैं, काउंट करके बताना है ये कितने होंगे। तो ये बहुत ही आसान होता है। इसको करने का रूल क्या होता है कि जैसे आपको मालूम होगा कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन, वो होता है साइड क्यूब, साइड मल्टीप्लाई साइड। किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। तो जो भी क्यूब का वॉल्यूम होगा वही आपका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आप देखिए क्यूब की साइड कितनी गिवन आपको, 3 सेंटीमीटर। तो अब इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9, 9 मल्टीप्लाई 3 इज 27। तो मतलब इस क्यूब का जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 27। तो इसका मतलब कि अगर मैं इस 3 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब को 1 1 सेंटीमीटर वाले साइड वाले क्यूब्स में कन्वर्ट करूंगा तो ऐसे कितने क्यूब्स बनेंगे, 27 क्यूब्स बनेंगे। मैं एक बार आपको और बता दूं कि जो बड़े क्यूब का वॉल्यूम होगा वही उसके छोटे नंबर ऑफ छोटे क्यूब्स की गिनती होगी, उनकी संख्या होगी। ठीक है, आप बड़े क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर लो और जो बड़े क्यूब का वॉल्यूम आएगा वही छोटे क्यूब्स होंगे, उनकी संख्या होगी, उनके नंबर होंगे, कितने क्यूब्स बनेंगे। ऐसा एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कहता है अब क्यूब की साइड कितनी गिवन आपको, 4 सेंटीमीटर। और वो आपको कह रहा है कि इसको 1 1 सेंटीमीटर के क्यूबिकल ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया, कट किया, तो बताओ कितने क्यूब्स बनेंगे। अब आप देखिएगा यहां पे जो बड़ा क्यूब गिवन है इसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर, यानी सारी साइड्स कितनी होंगी, 4 सेंटीमीटर। और आपने इसको 1 1 सेंटीमीटर के क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, तो वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने क्यूब्स बनेंगे जब आप इसको 1 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो टोटल कितने क्यूब्स बनेंगे। इसके लिए मैंने बड़ा सिंपल सा तुम्हें फॉर्मूला बताया। वो फॉर्मूला क्या है कि आप लोगों को क्या करना है, इस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम मतलब आयतन फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, 4 × 4 × 4, तो 4 4 16 16 4 64। तो इसका मतलब कि अगर आप 4 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब को 1 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब्स में कट करोगे तो ऐसे टोटल कितने क्यूब्स बनेंगे, 64 क्यूब बनेंगे। तो अपने इस क्वेश्चन को अपने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं कि इफ ए क्यूब ऑफ साइड n सेंटीमीटर इज पेंटेड एंड देन कट इनटू क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ वन साइड 1 सेंटीमीटर, देन द टोटल नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स इज इक्वल टू n क्यूब। n क्यूब मतलब n मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n, या अपने कह सकते हैं भुजा गुना भुजा गुना भुजा। यानी एक n सेंटीमीटर भुजा वाले क्यूब को घन को अगर अपने 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में कन्वर्ट करना है तो कुल कितने घन बनेंगे, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो जब भी अपना ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके वो क्वेश्चन को हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब इस पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जैसे 3 सेंटीमीटर साइड वाला एक क्यूब था, उसकी साइड्स को आपने पेंट करके या और फिर उसको 1 सेंटीमीटर की क्यूब्स में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी हमने बता दिया कि कितने क्यूब बन सकते हैं, 3 × 3 × 3 27 क्यूब बन सकते हैं, 27 क्यूब बन सकते हैं। अब वो आपको पूछ रहा है ऐसे कितने क्यूब्स होंगे उन 27 में से जिसकी तीनों साइड्स पेंटेड होगी, तीन फलकों पर रंग किया हुआ होगा। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें कि जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं कि ये बड़ा क्यूब था उसको मैंने 1 1 सेंटीमीटर के क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, ऐसे आपको 27 क्यूब दिखाई दे रहे हैं। अब आपको मैं वो फलक बता रहा हूं जिसके तीन साइड पेंटेड है। तो आप देखिएगा ये कॉर्नर वाला, इसकी 1 2 और ये 3, तीन साइड पेंटेड है कि नहीं। ऐसे ही आप देखिएगा ये वाला कॉर्नर वाला, 1 2
और एक साइड यहां होगी जो अपने को दिखाई नहीं दे रही। सेम ऐसे अगर मैं इस क्यूब की बात करूं तो एक दो और एक साइड इसकी जो अपने को दिखाई नहीं दे रही। तो मतलब जितने भी शीर्षों पर या वर्टेक्स पे क्यूब्स होते हैं उन सभी की तीन साइड्स क्या होती हैं, पेंटेड होती हैं। सिर्फ उन्हीं क्यूब्स की तीन साइड पेंटेड होती हैं जो कि जिनकी पोजीशन कहां पे होगी, वर्टेक्स पे होती है। तो अब आपको मालूम है कि टोटल वर्टेक्स होते कितने हैं, आठ वर्टेक्स होते हैं, आठ शीट्स होते हैं, एक क्यूब के आठ शीट्स होते हैं। तो इसका मतलब ऐसे घनों की संख्या, ऐसे क्यूब्स की संख्या जिसके तीनों साइड पेंटेड हैं वो होगी आठ। आप कभी भी किसी भी बड़े क्यूब को अगर छोटे क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, जैसे इसमें आपको कहा गया है, और सारी साइड्स को पेंट करने के बाद उसको कट करते हैं, तो आप ये देखना कि जो शीर्षों पर जो वर्टेक्स पे क्यूब्स होंगे सिर्फ वही ऐसे क्यूब्स होंगे जिसकी तीनों साइड क्या होंगी, पेंटेड होंगे। तो यानी इस क्वेश्चन का हमेशा आंसर कितना आएगा, आठ। चाहे वो साइड 3 सेंटीमीटर के बजाय 4 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाए, चाहे 5 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाए, बस आपको तो ध्यान ये रखना है कि सिर्फ आठ ही क्यूब ऐसे होते हैं जो शीर्षों पर होते हैं जिनके तीनों साइड पेंटेड होते हैं। इस फिगर से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहां पे जो आपको क्यूब दिया हुआ है इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर की, आपने इसको 1 1 सेंटीमीटर के क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। अब वो आपको कह रहा है कि इसमें कितने ऐसे क्यूब्स हैं जिनकी तीन साइड पेंटेड हैं। तो अगर आप देखिएगा जो रेड कलर में क्यूब्स गिवन है ये जो कि वर्टेक्स के ऊपर है, इन सभी क्यूब्स की तीन तीन साइड पेंटेड होती हैं। तो इसका मतलब ये क्यूब कहां पर है, शीर्ष पर है। शीर्ष कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, आठ होते हैं। तो ऐसे क्यूब्स की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, आठ होगी। तो अब नया फॉर्मूला बन गया ये कि अगर आपको एक एन सेंटीमीटर भुजा वाले क्यूब को, एन सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब को 1 1 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसे टोटल 8 क्यूब्स होंगे, आठ क्यूब्स होंगे, आठ घन होंगे जिनकी तीनों साइड पेंटेड हैं। इसको एक बार से फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर एक एन सेंटीमीटर साइड वाले, एन सेंटीमीटर भुजा वाले घन को अगर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काट दिया जाए, तो ऐसे कुल घनों की संख्या, ऐसे कुल क्यूब्स की जो संख्या होगी वो होगी एन क्यूब। और अगर वो आपसे ये पूछे कि ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनकी तीनों साइड पेंटेड हैं, जिनके तीन साइड पे रंग किया हुआ है, तो ऐसे हमेशा आंसर कितना आएगा, एट। ऐसे कितने क्यूब्स होते हैं, आठ क्यूब्स ऐसे होते हैं जिनकी तीनों साइड पेंटेड होती हैं। अब इस पर जो अगला प्रश्न आता है वो ये आता है कि जैसे एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला क्यूब है, 4 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब है, घन है, इसको 1 सेंटीमीटर साइड वाले घन में या क्यूब में कन्वर्ट कर दिया सारी साइड, सारे फेसेस को कलर करके। अब वो आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने क्यूब्स होंगे इनमें, जो टोटल क्यूब्स बनेंगे 64, उनमें ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनकी सिर्फ दो ही साइड पेंटेड हैं, दो ही साइड पे रंग किया होगा। अब आप इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस फिगर के अंदर देखिएगा कि जो ये नीले क्यूब्स हैं ये ऐसे क्यूब्स होते हैं जिनकी सिर्फ दो ही साइड पेंटेड होती हैं, दो साइड पेंटेड होंगी सिर्फ। और ये जो नीले क्यूब्स है ये कहां पर हैं, ये क्यूब्स हैं एज पर, यानी किनारों पर हैं। समझ आ गया होगा आपको अच्छे से कि किनारों पर देखिए कितने क्यूब बन रहे हैं, हर किनारे पे चार चार क्यूब बन रहे हैं। जो कॉर्नर वाले क्यूब्स हैं इनके तो तीन साइड पेंटेड हैं, इसको हटा देंगे, जो बाकी क्यूब्स बच के ये दो साइड पेंटेड वाले क्यूब्स हैं जिनकी सिर्फ दो ही साइड पेंटेड हैं। अगर आपको इनकी संख्या ज्ञात करनी है या इनके नंबर्स काउंट करने हैं तो आपको सबसे पहले करना होगा कि इसके एज काउंट करने पड़ेंगे। अब आपको पता है कि क्यूब का एज कितना है, कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। और इसकी साइड कितनी है, एन। इस साइड में से आपने दो क्यूब्स जो कॉर्नर वाले क्यूब्स हैं इसको हटा दिया, जो बाकी बीच वाले क्यूब्स बच के उसको अगर अपने 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल नंबर ऑफ वो क्यूब्स होंगे जिनकी सिर्फ दो ही साइड पेंटेड हैं। मतलब आपको बड़ा सिंपल सा करना है कि जितनी साइड आपको गिवन है उसमें से आपने 2 माइनस करना है और उसमें उसको 12 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जितना भी आंसर आएगा, जैसे यहां पे आंसर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है,
फोर माइनस टू टू होता है, टू को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 24। तो इसका मतलब कि अगर एक 4 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब को 1 1 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब में कन्वर्ट किया तो ऐसे 24 क्यूब्स होंगे जिनकी सिर्फ दो ही साइड पेंटेड होगी। ठीक है, तो बस सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपने जितनी साइड की लेंथ गिवन है उसमें से 2 माइनस करना है और उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो टू साइड पेंटेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 12 इंटू में एन माइनस टू। 12 इंटू एन माइनस टू ये क्या शो करता है, ये उन क्यूब्स की संख्या या उन क्यूब्स का नंबर शो करता है जिनकी सिर्फ दो ही साइड पेंटेड है। इसी फॉर्मूले पर बेस एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको एक सॉलिड क्यूब गिवन है जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, उसको 1 1 उसके सभी साइड्स को कलर करने के बाद, उसके सभी फेसेस को कलर करने के बाद उसको 1 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स में कन्वर्ट किया, कट किया। तो आपको कह रहा है कि ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनकी दो साइड पे ही पेंट है। तो अभी मैंने आपको बताया कि दो साइड पे पेंट है, फाइंड करने के लिए आपको जितनी क्यूब की साइड गिवन है, जैसे यहाँ पे कितनी गिवन है 3, उसमें से आपको माइनस क्या करना है 2, और इसको फिर किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो 3 माइनस 2 कितना हुआ 1, 1 को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया 12। तो इसका मतलब ऐसे कितने क्यूब्स हैं, 12 क्यूब्स हैं जिनकी सिर्फ दो साइड पेंटेड है। अब इस पर बेस्ड अगला क्वेश्चन है, कहता है 4 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है, उसको पेंट किया, उसको 1 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनकी सिर्फ एक ही साइड पेंटेड है। सबसे पहले हमने किया था 3 साइड पेंटेड वाले, तो वो थे 8 क्यूब। फिर हमने किया था 2 साइड पेंटेड वाले, वो कैसे किया था कि नंबर ऑफ साइड्स में साइड में से आपने 2 माइनस किया था, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई किया। और अब हम इससे पूछ रहे हैं वो कि ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनकी सिर्फ एक साइड पेंट है। आपको इस फिगर से पता लग जाएगा जितने भी व्हाइट क्यूब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे व्हाइट क्यूब्स जो है ना, ये ऐसे क्यूब्स हैं जिनकी सिर्फ एक ही साइड पेंटेड है। तो अगर आप इनकी पोजीशन चेक करोगे ना, तो इनकी पोजीशन कहां पे आ रही है, इनकी पोजीशन आ रही है फेसेस के ऊपर। इनकी पोजीशन कहां आ रही है, फेसेस पे, और फेसेस होते कितने, 6। और अगर आप चेक करिएगा तो कितने बन रहे हैं, एक फेस पे 4 बन रहे हैं। ये आया कैसे, आपके पास जो साइड गिवन है इसमें से आपने क्या माइनस करना है, 2 माइनस करना है, और फिर आपने इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 से। तो जो भी रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि इस क्यूब में ऐसे ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनकी सिर्फ एक ही साइड पेंटेड है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, आपको साइड कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर, तो आप 4 को 2 से सबट्रैक्ट कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, और फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 माइनस 2 होगा 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे 24 क्यूब्स हैं जिनके सिर्फ एक ही साइड पेंटेड है। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं। अब आपको साइड कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर, और वो कह रहे हैं कितने फेसेस पे सिर्फ एक साइड पेंटेड है। तो क्या करना है, आपको जो साइड गिवन है उसमें से 2 माइनस करना है, फिर इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, और 6 से मल्टीप्लाई। 3 माइनस 2 आया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6। तो यानी अगर किसी क्यूब की साइड 3 सेंटीमीटर है तो उसमें ऐसे 6 क्यूब्स होंगे जिनका सिर्फ एक साइड ही पेंटेड होगा। अब वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, 3 सेंटीमीटर की क्यूब की सारी फेसेस को कलर करके आपने उसको 1 सेंटीमीटर के क्यूब में कन्वर्ट किया, फिर वो आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनकी कोई भी साइड पेंटेड नहीं है। अब जो बाहर बाहर से क्यूब दिखाई दे रहे हैं उनकी कोई ना कोई साइड तो पेंटेड है, लेकिन जो अंदर दबके रह गए क्यूब्स उनकी कोई भी साइड पेंट नहीं होगी। अगर आपको इसका नंबर फाइंड करना है तो बड़ा सिंपल होता है कि जो भी आपको साइड की लेंथ गिवन हो उसमें से आपने 2 को माइनस करना है, और अब इसका क्या करना है, आपको क्यूब करना है। ये जो फिगर है, ये जो रिजल्ट है, ये आपको शो करेगा ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनकी कोई भी साइड पेंटेड नहीं है। तो अब जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से 3 माइनस 2 और इसका हमने क्या करना है, क्यूब। तो 3 माइनस 2 कितना हुआ 1, 1 का क्यूब कितना हुआ 1। तो इसका मतलब अगर 3 सेंटीमीटर क्यूब वाले को, बड़े क्यूब को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे क्यूब में कन्वर्ट किया तो ऐसा सिर्फ एक ही क्यूब बचेगा जिसकी कोई भी साइड पेंटेड नहीं है।
अब यहां पे अगर आपको थ्री के बजाय साइड क्या गिवन होती, फोर गिवन होती, तब कैसे करते? तो फोर में से आप टू सब्ट्रैक्ट करते और फिर उसका क्या करते, क्यूब। फोर माइनस टू, टू, टू का क्यूब कितना होता है, एट। तो अगर साइड थ्री के बजाय कितनी होती, 4 सेंटीमीटर की होती, तो ऐसे हमारे पास कितने क्यूब्स होते जिनकी कोई भी साइड पेंटेड नहीं है, 8 क्यूब्स होते हैं। और अगर साइड फाइव होती, सेम रूल है, फाइव में से टू माइनस किया और उसका क्यूब किया, फाइव माइनस टू कितना हुआ, थ्री, थ्री का क्यूब कितना हुआ, 27। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ गया होगा कि भाई ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। अगर आप ये तीन चार फॉर्मूले इसको अच्छे से याद कर लेते हो तो आप ऐसे सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। मैं एक बार आपको सारे फॉर्मूले दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। हाँ जी, ये सारे फॉर्मूले आपके स्क्रीन पे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि अगर एक n सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब है उसको आपने 1 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब में कन्वर्ट किया तो टोटल क्यूब्स बनेंगे n क्यूब। जो वर्टेक्स पे क्यूब्स होंगे उनकी तीन साइड पेंटेड होगी, और ऐसे कितने क्यूब्स होते हैं, 8। ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनकी दो साइड पेंटेड होगी, तो मैंने बताया था कि साइड में से 2 माइनस करके उसको 12 से मल्टीप्लाई करने हैं, क्योंकि ऐसे जितने भी क्यूब्स हैं वो कहां पर होते हैं, ये होते हैं एज पर, किनारों पर। और आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनकी सिर्फ एक ही साइड पेंटेड है, तो ऐसे क्यूब्स होते हैं फलकों पर, फलक मतलब फेसेस के ऊपर। तो आपको करना क्या है, साइड में से 2 माइनस करके उसका स्क्वायर करना है और उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब वो आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनकी कोई भी साइड पेंटेड नहीं है, तो साइड में से आपने 2 माइनस करके उसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो बस ये पांच फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बस इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि कभी वो आपसे ऐसे पूछ लेता है कि ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनकी तीन से ज्यादा साइड पेंटेड है, तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम जो मैक्सिमम हो सकता है वो तीन साइड पेंट हो सकती हैं। तीन से ज्यादा साइड पेंटेड वाला कोई भी क्यूब नहीं होता, तो ऐसे ही क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा। अब यही सारे फॉर्मूले हिंदी में भी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके पास हमेशा के लिए सेव रहे, जो भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो आप कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस और चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा, मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस इस पर जो अब तक एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे सेंड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।